कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी, AICC के प्रभारी महामंत्री अविनाश पांडे जी, हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डिप्टी CM साहब सचिन पायलट जी, कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य व उम्मीदवार उदयपुर से रघु मीणा जी, आपके लोकप्रिय उम्मीदवार ताराचंद भगोरा जी, AICC के सचिव तरुण कुमार जी, वरिष्ठ नेता आदरणीय गिरिजा व्यास जी, हमारे वरिष्ठ नेता महेंद्रजीत सिंह जी मालविया जी, मंत्री अर्जुन बामणिया जी और विधायकगण गणेश जी गोगरा, रमीला जी, जिला अध्यक्ष दिनेश खोडनिया जी, तानवली जैन साहब, भानु प्रताप जी प्रतापगढ़, नंदलाल निनामा, कांता जी भील, नगरा जी मीणा, रेशम जी मालविया, प्रेम कुमार जी पाटीदार, सुरेंद्र जी बामणिया, शंकर लाल जी आहेरी, राइया मीणा जी, महेंद्र बरजोट जी, लाल शंकर जी घाटिया, असाद अहमद जी, जैनेन्द्र त्रिवेदी जी, नटवर तेली जी और तमाम हमारे उपस्थित नेतागण, उपस्थित बुजुर्गों, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे वैष्णो धाम जो पावन धाम है वागड़ की पवित्र धरती पर, ये आस्था व श्रद्धा का केंद्र, इस केंद्र में सोनिया गांधी जी भी आई थी इसी जगह पर, हम सब आज इस भूमि को नमन करने आए हैं। या संत मावजी महाराज, संत गोविंद गुरु, आदिवासी वीर बाला कालीबाई, नाना भाई खाट, बोगीलाली पंडिया, गौरी शंकर जी उपाध्याय, हरदेव जी जोशी और भीखा भाई भी जैसे नेता हुए हैं, वो महान विभूतियाँ हमारे बीच नहीं रही, पर उनका जो संदेश है वो हमारे साथ में है। उस संदेश को आगे चल करके हमेशा कांग्रेस की सरकारें बनी तो आदिवासी अंचल में काम करने में कोई कमी नहीं रखी, चाहे पानी की बात हो, बिजली की बात हो, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, सड़कों की बात हो। और तो और, अभी सचिन पायलट जी कह रहे थे कि हमने 9 लाख से 30 लाख कर दिया नरेगा में मजदूरों को। आप सोच सकते हैं, जब हमारे पहली सरकारें थी, मालवीय जी प्रमुख थे, तारचंद भगोरा जी प्रमुख थे, तो आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा में 2.5 लाख 3-3 लाख मजदूर लगते थे। पिछले सरकार ने भेदभाव किया, नरेगा को कमजोर किया, अब राहुल गांधी जी ने जो नया मैनिफेस्टो पूरे देश की जनता को पूछ के बनाया है, ये पहली बार हुआ है कि राहुल जी का कहना है कि हम नरेंद्र मोदी जी की तरह बात को थोपना नहीं चाहते, मन की बात को हम मन की बात सुनना चाहते जनता की, उसके आधार पर हमारा घोषणा पत्र बना है, जिसके लिए नरेगा में 100 की बजाय 150 दिन का काम होगा, किसानों के लिए अलग से बजट। आप सोच सकते हो कि आज़ादी के बाद में इतना बड़ा कदम उठाया जा रहा है, जहाँ पर किसानों के लिए, पूरे देश के किसान, उनके लिए अलग बजट पेश होगा रेलवे बजट की तरह। आप सोच सकते हो कि कितनी बड़ी दूरदृष्टि की बात की गई है, क्योंकि किसान देश की आर्थिक स्थिति की रीढ़ की हड्डी है, उनकी शिकायतें बनी रहती है, कई स्कीम लाते हैं तभी बनी रहती है। तो राहुल गांधी जी ने देखा एक साथ में हमेशा के लिए पार्लियामेंट में बहस हो और बजट पास हो, जिससे कि तेज गति से किसानों की समस्याएं दूर हो सके। एक और जो न्याय योजना लेके आए हैं गरीबों के लिए, गरीबी हटाओ की बात इंदिरा जी की बात में राहुल जी ने इस रूप में करी है, जब तक हम डायरेक्ट पैसा नहीं देंगे उनको 6,000 रुपये प्रति माह, 72,000 प्रति वर्ष मिलेगा, वो पैसा वहाँ पर खर्च होगा, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, पैसा वहाँ पर आएगा, देश के अंदर व्यापार में आएगा, फैक्ट्री में आएगा, देश की इकोनॉमी मजबूत होगी, ये सोच करके दूरगामी कदम उठाया गया है। पूरे देश के अंदर इस न्याय योजना की चर्चा है, और इसी से घबरा करके मोदी जी, जो राहुल गांधी जी बार बार कहते हैं आप इश्यू पे आओ, आप चाहते क्या हो, किसानों के लिए क्या आपकी योजना है, युवाओं के लिए क्या है, कमजोर पिछड़े वर्गों के लिए क्या है, दलितों के लिए क्या है, माइनॉरिटी के लिए क्या है, महिलाओं के लिए क्या है, मोदी जी उन बातों के जवाब नहीं देते हैं। वो कभी बात करेंगे गौ माता की बात कर देंगे, चुनाव आते राम मंदिर जिनको याद आता है, राजभक्ति की बात करते, क्या आप बैठे हुए, हम लोग सब बैठे हुए हैं, हम लोग राजभक्त नहीं है क्या?
पर मोदी जिस प्रकार से बोलते हैं, ये पूरे देश को गुमराह करने वाले पहले प्रधानमंत्री के रूप में आने वाले तैयार मेरे का नाम दर्द होगा, मैं कह सकता हूँ। प्रधानमंत्री की गरिमा होती बोलने की, प्रधानमंत्री बोलते हैं तो आम जनता के दिल को छूने वाली बातें होनी चाहिए, इश्यू बेस्ड राजनीति होनी चाहिए। ये जनता का दरबार कांग्रेस का दिया हुआ है, 70 साल पहले महात्मा गांधी के जमाने में लोकतंत्र कायम किसने किया? कांग्रेस ने किया, और 70 साल में उसको कायम रखा कांग्रेस ने रखा है। पाकिस्तान हिंदुस्तान साथ साथ आज़ाद हुए थे, पाकिस्तान में बार बार सैनिकों का शासन हो गया, प्रधानमंत्री जेल में जा रहे हैं, फांसी के फंदे पर लटकाए जा रहे हैं भुट्टो साहब। हमारे मुल्क में 70 साल में सरकारें चेंज हुई है, शांतिपूर्ण तरीके से हुई है, और ये दरबार बैठा हुआ आपका माई बाप आप हो लोकतंत्र के अंदर, आप जो फैसला करते हो वो पार्टी सत्ता संभालती है। मोदी जी कहते 70 साल में क्या किया कांग्रेस ने, ये भी एक उनका जुमला है। 70 साल पहले बैठे धाम क्या था, डूंगरपुर क्या था, राजस्थान क्या था, देश क्या था, सबको मालूम है। जहाँ सुई नहीं बनती थी, पहने को कपड़े नहीं थे, स्कूलें नहीं थी गाँव में, पीएचई सीएचई सेंटर नहीं थे, बिजली नहीं थी, बिजली लोग समझते नहीं थे बिजली होती क्या है। वहाँ से शुरुआत करके इस कांग्रेस की 70 साल के शासन में हम यहाँ तक पहुँचे हैं। आधुनिक भारत का निर्माण किया है तो कांग्रेस के शासन हुआ, पंडित नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, या हमारे कोई प्रधानमंत्री हो। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान की बात करी थी, तो मैं लंबी बात नहीं करना चाहता। राहुल जी को सुनेंगे, राहुल जी की अभी काफ़ी आगे मीटिंग है। मैं आपको यही आह्वान करूँगा कि कांग्रेस आपकी अपनी पार्टी है, अकाल सूखा पड़ा, 3-3 बार लगातार पड़ गया। जब आपने मुझे पहली बार मुख्यमंत्री बनाया तब हमने काम के बदले अनाज योजना शुरू करी, घर घर में गेहूँ पहुँचा दिया, निजी काम खोलो, निजी कुंड बनाओ, कुआं बनाओ, कुछ भी करो, गेहूँ ले जाओ, इतनी गेहूँ की बोरी इकट्ठी होगी आपके घरों में, घरों में रखने जगह नहीं रहती, वो दिन भी आपने देखा होगा। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि कांग्रेस ने हमेशा आदिवासियों का ख्याल रखा है। राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते ही आपके बीच में डूंगरपुर आए थे, इसी जिले में आए थे हम बैठे हुए हैं, वो गुजरात गए, मध्य प्रदेश गए, उड़ीसा गए, सब जगह आदिवासियों में गए थे। तो आदिवासियों के प्रति कांग्रेस का क्या लगाव है वो सब आपको मालूम है। वन अधिकार दिया डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी के वक्त में दिया गया है आपको, उसमें कमी रहेगी उनको दूर करेंगे। गणेश धाम जहाँ बैठे हुए हैं, हमारी सरकार बनते ही राहुल जी ने कहा कर्जा माफ़ होना चाहिए, हमने कर्जे माफ़ कर दिए, कोऑपरेटिव बैंक के, भूमि विकास बैंक के, अब जो कर्जे बचे हुए नेशनलाइज बैंक के, राष्ट्रीयकृत बैंकों के, चुनाव के बाद में वो कर्जे माफ़ करेंगे, ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। कोई बाकी नहीं रहेगा। मोदी जी जो कहते हैं कि कर्जा माफ हुआ ही नहीं, आप सोच सकते हो प्रधानमंत्री असत्य बोल सकते हैं? हमारे तमाम फैसलों को वो स्वीकार नहीं करते हैं क्योंकि उनको वो खुद अपराध बोध से ग्रसित हैं, उनकी स्कीमें फेल हो गई, ना तो ब्लैक मनी आई एक रुपया, ना उन्होंने महंगाई कम कर पाए, ना रोजगार दे पाए नौजवानों को, उनके पास कोई जवाब नहीं है। इसलिए मैं आपको आह्वान करूंगा, ये चुनाव बड़ा महत्व है, पूर्ण है, ये देश के लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, ये संविधान को बचाने का चुनाव है जो अमेरिका साहब ने बनाया था, और ये चुनाव देश को बचाने का है, संविधान को बचाने का है। कृपा करके यहाँ पर जो भारतीय तमिल पार्टी और पैदा हो गई, मैं नौजवानों कहना चाहूँगा कि दो सीटें आपकी जीती जरूर है, पर इस बार आपने फिर खड़ा कर दिया अपने उम्मीदवार, कहीं ऐसा नहीं होगा आप जीतो ही नहीं और इसका लाभ बीजेपी को मिल जाए, उससे बचो। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, आपकी पार्टी है, और हमेशा आपका ध्यान रखा है, आगे भी हम वादा करते हैं कोई कमी नहीं आने देंगे। गणेश धाम का सरकार बनते ही हमने विकास बोर्ड की घोषणा कर दी है, विकास बोर्ड बनाना बहुत बड़ी बात है। अब आप जब आओगे अगली बार मेलों में 3 साल के बाद देखोगे पूरा नक्शा बदलाव मिलेगा आपको गणेश धाम का, ये मैं आपको कह सकता हूँ। एक तरफ मंदिर का निर्माण हो रहा है, गणेश धाम का विकास बोर्ड बन गया है, तो सब लोगों को साथ दे करके सबकी सलाह से विकास होगा यहाँ पर। ये आपका पावन धाम है वो हमें मालूम है, तो मैं आपको यही आह्वान करता हूँ, अपनी बात समाप्त करूँगा, कृपा करके रघु मीणा को तो उदयपुर से, तारासेन भगोरा जी को डूंगरपुर बांसवाड़ा से आप भारी बंदों से कामयाब करें,
ये अपील करता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद।